आज पीएम मोदी की 3 रैलियां। हरियाणा के सिरसा, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम जनता को करेंगे संबोधित। दिल्ली में पीएम मोदी के मंच पर 7 उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। बीजेपी के बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में करेंगी रोड शो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2.25 किलोमीटर और साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी प्रियंका। प्रियंका ने दुर्योधन से की पीएम की तुलना। अमित शाह बोले, 23 को पता चलेगा कौन अर्जुन कौन दुर्योधन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। भिंड, मोरना, ग्वालियर में राहुल करेंगे जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज 4 रैलियां। झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर में और मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल में करेंगे जनसभाएं। राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहने पर ईसी से पीएम मोदी को क्लीन चिट। 4 मई को यूपी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राजीव गांधी को कहा था भ्रष्टाचारी नंबर 1। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईसी के क्लीन चिट देने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। यूपी के प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने चुनाव आयोग पर दिया विवादित बयान। चुनाव आयोग को कहा बेईमान संगठन। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और फिल्म अभिनेता प्रकाश राज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप पांडे के मुखर्जी नगर में करेंगे प्रचार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के धर्म पर किया था ट्वीट। आज 5 बजे तक देना होगा जवाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एमपी और यूपी में 3 रैलियां। मुरैना, वाराणसी और गोरखपुर में जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हरियाणा में जनसभा। गुरुग्राम में रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चंडीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता सनी देओल बटाला में रोड शो करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। 2 गाड़ियों में लगाई आग। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा, मेरा मन करता है कि उन्हें जोर से गणतंत्र का थप्पड़ मारूं। बंगाल में अमित शाह का जय श्री राम के साथ नया नारा। कहा, 23 मई 23 सीटें। बंगाल की जनता ने तय किया है कि परिवर्तन करना है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हूं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा में पीएम की रैली को मिली इजाजत। बीजेपी ने ममता सरकार पर रैली की मंजूरी में बाधा डालने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग का 6ठे चरण में 683 केंद्रीय बलों की कंपनी को तैनात करने का फैसला। झारग्राम में सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। प्रियंका गांधी के अहंकार वाले बयान पर सुषमा स्वराज ने साधा निशाना। कहा, अहंकार की पराकाष्ठा तो उस दिन हुई थी जिस दिन राहुल जी ने अपने ही प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए अध्यादेश को फाड़ा था। एनसीपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार पर बीजेपी का हमला। महाराष्ट्र बीजेपी ने वीडियो जारी कर सपने में शरद पवार को पीएम बनते हुए दिखाया। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह हिंदू का विवादित बयान। भोपाल में चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। हिंदुत्व के मुद्दे को टेकन ओवर करने में जुटी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार। शासकीय जमीनों पर बने मंदिरों को पट्टा देकर वैध करेगी सरकार। 12 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के समर्थन में करेंगे सभा। भोपाल में कंप्यूटर बाबा के हठ योग को लेकर बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। अनुष्ठान को दिग्विजय सिंह के चुनावी खर्च में जोड़ने की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की टीपू सुल्तान को श्रद्धांजलि देने वाले इमरान खान की तारीफ। बीजेपी ने किया पलटवार। सुल्तानपुर में दिखा मेनका गांधी का पशु प्रेम। घायल गधे को इलाज के लिए बरेली भेजा। सुप्रीम कोर्ट में बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर सुनवाई। वाराणसी से नामांकन रद्द होने पर दी थी याचिका। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अथॉरिटी और बैंकर्स की मिली भगत के कारण खरीदारों और निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ रहा। असम नागरिक रजिस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एनसीआर में नाम नहीं आने वाले 40 लाख लोगों की दावे और आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया पर होगी सुनवाई।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जवानों की मुखबिरी करने वाले शख्स को नक्सलियों ने दी बधाई। 1 मई को हुए नक्सली हमले में 15 जवान हुए थे शहीद। भोपाल गैस त्रासदी संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखा पत्र। गैस त्रासदी के आरोपी एंडरसन को भगाने के मामले की जांच की मांग की। ब्रिटिश जेल में बंद भगोड़ा हीरा कारोबारी आज एक बार फिर जमानत के लिए दायर करेगा याचिका। इससे पहले ब्रिटिश कोर्ट 2 बार खारिज कर चुका है जमानत की याचिका। मुंबई के मलाड में रमजान के पहले रोजा के दौरान मुस्लिमों ने नमाज पढ़कर पीएम मोदी के लिए मांगा दुआ। फिर से पीएम बनने की मांगी मन्नत। गुजरात के सूरत में शादी समारोह में आयोजित भजन कार्यक्रम में गायिका पर हुई जमकर नोटों की बारिश। भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों को दान में दिए जाएंगे पैसे। महाराष्ट्र के पुणे में अक्षय तृतीया के मौके पर 11,000 हापुस आमों से लगाया गया गणपति जी को भोग। दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में सालों से चली आ रही है आम चढ़ाकर भोग लगाने की परंपरा। दिल्ली के प्रेम नगर में सेफ्टी टैंक साफ करने के दौरान हादसा। 2 लोगों की मौत, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 2,160 करोड़ रुपए। अब तक केंद्र सरकार राज्य को 4,248 करोड़ रुपए की मदद जारी कर चुका है। मुंबई के पास विरार में एक घर से मिले 30 कुत्ते और बिल्लियां। मलमूत्र के दुर्गंध से परेशान होकर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस। नागपुर में पेट्रोल पंप पर आग की चपेट में आई 2 बाइक। आग की वजह का पता नहीं चला है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। गैंग के 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के जमुई में ज्वेलर व्यापारी के घर पर नक्सलियों ने डाला डाका। विरोध करने पर पिता और 16 साल की बेटी को मारी गोली। मध्य प्रदेश के सतना में केंद्रीय जेल में कैदी रामकेश यादव ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 जेलकर्मी सस्पेंड। चित्रकूट में मासूमों की हत्या का आरोपी था रामकेश यादव। राजस्थान के पाली के नेत्रा गांव में सरपंच की दबंग गई। मनरेगा में काम करने वाले युवक को बेरहमी से पीटा। सरपंच प्रेमा राव देवासी है कांग्रेस नेता। राजस्थान के अलवर में गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए 14 टीमें बनाई गई। 5 लोगों पर आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले की फिर से हो सकेगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के आदेश पर लगाई रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब। बेंगलुरु पुलिस को एक संदिग्ध आतंकी की तलाश। कल कैंपेगौड़ा मेट्रो स्टेशन से हुआ था फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश जारी। रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल की बुलेट और बुलेट इलेक्ट्रा की 7,000 यूनिट। टेक्निकल गड़बड़ी के बाद कंपनी ने वापस लिया बुलेट और बुलेट इलेक्ट्रा मॉडल को। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने कहा भारत को स्थायी सदस्यता देना बेहद जरूरी। जर्मनी, ब्राजील और जापान की भी वकालत की। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI को लेकर छोटे देशों को अमेरिका की चेतावनी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा चीन कर्ज के जाल में छोटे देशों को फंसा रहा है। सलमान खान की किक 2 में दिशा पाटनी की जगह दीपिका पादुकोण की हो सकती है एंट्री। सोशल मीडिया में आई खबर। बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन और कंगना की टक्कर। कंगना की मेंटल है क्या और ऋतिक की सुपर 30 एक ही दिन होगी रिलीज। न्यूयॉर्क में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मेट गाला 2019 में दिखी नए लुक में। प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें इंटरनेट पर हुई वायरल। सैफ अली खान के बेटे तैमूर को कैमरे से हुआ प्यार। एक इंटरव्यू में सैफ ने किया खुलासा, घर में पूरे दिन तैमूर फोन से खींचते रहते हैं फोटो। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से जुड़ी बधाई हो फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता। अक्षय की मां का रोल अदा करेंगी नीना गुप्ता। फोनी तूफान से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। 1 करोड़ रुपए देंगे दान। फिल्म इमली के लिए अनुराग बसु को मिली नई हीरोइन। कंगना के फिल्म छोड़ने के बाद दीपिका पादुकोण को साइन करेंगे अनुराग बसु। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल एक बार फिर मां बनने वाली हैं। अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बेबी शावर पार्टी की फोटोज को ईशा ने इंस्टाग्राम पर की शेयर।